इस इंस्ट्रूमेंट को जरा ध्यान से देखिए, यह है वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इतना खतरनाक कि कई शहरों में इसे बैन कर दिया गया था। इस इंस्ट्रूमेंट को ग्लास हार्मोनिका कहा जाता है और इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था। जैसे वाइन ग्लास पर फिंगर रब करने से साउंड क्रिएट होता है, उसी से इंस्पायर होकर फ्रैंकलिन ने यह इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, जिसमें उन्होंने अलग अलग थिकनेस के टोटल 37 ग्लास बॉल्स यूज किए, जो एक फुट पेडल की मदद से घूमते थे और म्यूजिशियन उस पर अपनी उंगलियों की मदद से म्यूजिक क्रिएट कर सकता था। पर कुछ ही सालों में कंप्लेंट्स आने लगी कि इसका म्यूजिक सुनकर काफी लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी, तो कुछ लोग लिटरली पागल हो जाते थे। यहां तक कि जर्मनी के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में इस इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस के दौरान एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई, जिस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को काफी शहरों में बैन कर दिया गया।